ये बड़ी और अहम जानकारी आपके बता रहे हैं रायपुर से, जहां 4 जून को लोकसभा सीटों की मतगणना होनी है। ये अहम जानकारी सामने आ रही है। मंत्रियों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार भी सौंप दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा को राजनांदगांव का प्रभार मिला है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव भी डटे रहेंगे। यह अहम जानकारी सामने आ रही है। 4 जून को लोकसभा सीटों की मतगणना होनी है, जिसको लेकर बीजेपी का एक्शन प्लान पूरी तरीके से तैयार हो गया है। मंत्री केदार कश्यप को बस्तर सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। मंत्री टंकराम वर्मा को दुर्ग सीट की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बता दें कि 4 जून को मतगणना होनी है, जिसको लेकर सभी मंत्री अलग अलग क्षेत्रों पर नजर रखते हुए नजर आएंगे। रायगढ़ में मतगणना पर मंत्री ओपी चौधरी नजर रखेंगे। वहीं रायपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद सुनील सोनी अपनी नजर रखेंगे। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। 4 जून को लोकसभा सीटों की मतगणना होनी है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने अपना एक्शन प्लान पूरी तरीके से अब तैयार कर दिया है। मतगणना के दिन के लिए ये बीजेपी का एक्शन प्लान है, जो तैयार हो चुका है। मंत्रियों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रभार भी सौंपा गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां डिप्टी सीएम विजय शर्मा को राजनांदगांव का प्रभार मिला है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर मतगणना को लेकर ये अहम फैसले लिए गए हैं। बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव डटे रहेंगे, उनको बिलासपुर की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही अगर सरगुजा सीट की बात कर ले तो मंत्री रामविचार नेताम की नसब रहेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां मतगणना को लेकर यह अहम तैयारियां की गई है। मंत्री केदार कश्यप को बस्तर सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये बीजेपी का एक्शन प्लान आपको बता रहे हैं। वहीं मंत्री टंकराम वर्मा को दुर्ग सीट की जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रायगढ़ में मतगणना पर मंत्री ओपी चौधरी नजर रखते हुए नजर आएंगे, उनको रायगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही अगर रायपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो सांसद सुनील सोनी नजर रखते हुए नजर आएंगे। 4 जून को लोकसभा सीटों की मतगणना होनी है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपना एक्शन प्लान अब पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी भी सौंप दी है।